लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला वाकई में बेहद रोमांचक रहा। अंतिम ओवर तक इस मुकाबले में रोमांच की कोई भी कमी नहीं रही, लेकिन पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से शाहरुख खान ने अंतिम ओवर में शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई, तो वहीं केएल राहुल की 74 रनों की पारी भी पूरी तरह से नाकाम गई। और लखनऊ के हार के बाद केएल राहुल के ससुर सुनील शेट्टी का गुस्सा भी जमकर फूटा है। केएल राहुल को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई, तो आइए जानते हैं सुनील शेट्टी ने लखनऊ की हार पर क्या कह दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आईपीएल का 21वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच था। शिखर धवन टीम का हिस्सा नहीं थे, इसलिए सैम करन टीम के कप्तान थे। टॉस जीतकर पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। काइल मेयर्स और केएल राहुल की जोड़ी शुरुआत में काफी अच्छा खेल दिखा रही थी। दोनों ने बिना विकेट खोए 50 का आंकड़ा पार कर दिया था। उसके बाद मेयर्स 29 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद तो विकेट का तांता सा लग गया। दीपक हुड्डा 2 रन बनाकर आउट हुए तो कुणाल पांडे 18 रन बना सके, लेकिन एक छोर से केएल राहुल चट्टान की तरह क्रीज पर डटे रहे। थोड़ा सा स्टोइनिस का साथ जरूर मिला, लेकिन स्टोइनिस ने 15 रन बनाए जिसमें 2 छक्के भी लगाए, लेकिन राहुल 56 गेंदों में 74 रनों की पारी खेल गए जिसमें 8 चौके और 1 छक्का भी शामिल था, और अपनी टीम को 159 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का ये मामला राहुल ने पूरा कर दिया था। लक्ष्य कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन राहुल की कप्तानी भी इस मुकाबले में शानदार रही। बल्लेबाजी पर आए पहले ओवर में 0 के स्कोर पर आवेश खान को अपना कैच दे बैठे। लखनऊ की टीम को पहली सफलता मिल चुकी थी, और उसके बाद अगले ओवर में प्रभ सिमरन जैसे खतरनाक बल्लेबाज को युद्धवीर सिंह ने 4 के स्कोर पर बोल्ड मार कर लगभग पंजाब किंग्स की टीम की कमर ही तोड़ दी थी। बल्लेबाजी कोई ज्यादा खास नहीं थी, क्योंकि शिखर धवन जैसा अनुभवी खिलाड़ी भी बाहर था। मैथ्यू शॉर्ट क्रीज पर मौजूद थे। उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट भी 34 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हो गए। 45 रन पर हो चुके थे 3 विकेट, और उसके बाद सिकंदर रजा और भाटिया ने थोड़ी सी साझेदारी बनाई। दोनों ने टीम का स्कोर 75 रन तक पहुंचा दिया था। इस बीच भाटिया भी युद्धवीर सिंह को अपना कैच दे बैठे। अब मुकाबला बराबरी पर आ खड़ा हो गया था। बता दें कि 48 गेंदों में 78 रनों की जरूरत थी। सिकंदर रजा और सैम करन क्रीज पर थे, लेकिन उसके बाद सिकंदर रजा ने कुणाल पांड्या को अपना शिकार बनाया। एक ही ओवर में लगातार 2 छक्के जड़े और उसके बाद एक शानदार चौका लगाकर लखनऊ की टीम के मुंह से लगभग इस मुकाबले को छीन ही लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ सैम करन ने भी अगले ओवर में शानदार शॉट लगाया, लेकिन तभी बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए। अब मुकाबले में और भी ज्यादा रोमांच पैदा हो चुका था। अंतिम 5 ओवर में जीत के लिए 45 रनों की जरूरत थी। आपको बता दें मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा था। जितेश के विकेट के बाद शाहरुख खान जब क्रीज पर आए तो पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्का लगाकर अपने हौसले पूरी तरह से बुलंद कर दिए थे। 4 ओवर में 32 रनों की जरूरत थी, और उसके बाद शाहरुख ने अच्छे शॉट खेलते हुए अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचाया। अंतिम 2 ओवर में 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन मार्क वुड जैसे गेंदबाज पर भी छक्का लगाकर उन्होंने लगभग अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। अंतिम ओवर में जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। शाहरुख खान ने 2 गेंदों में 2 रन भाग कर लिए, और उसके बाद कवर के दिशा में चौका लगाकर अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। अंतिम ओवर में मिली हार के बाद सुनील शेट्टी ने कहा कि मुकाबला वाकई में रोमांचक रहा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं 159 रन एक सर्वश्रेष्ठ स्कोर नहीं था। केएल राहुल ने 74 रन जरूर बनाए, लेकिन बावजूद उसके उनकी पारी में वह तेज गति देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से राहुल जाने जाते थे। राहुल ने बेहद धीमी गति से 56 गेंदों में ये रन बनाए, जिसकी वजह से टीम एक बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। राहुल की बल्लेबाजी में निरंतर गिरावट देखी जा रही है, यही कारण है कि उन्हें टीम इंडिया से भी कई बार नकारा जा रहा है। मुझे लगता है राहुल को काम करने की जरूरत है, अपने खेल पर भी और कप्तानी पर भी। कप्तानी में भी राहुल की कोई स्किल्स दिखी नहीं, गेंदबाजों का सही तरह से चयन नहीं किया गया, अन्यथा ये मुकाबला अंतिम चरण में हमारी टीम के पक्ष में ही था। लेकिन राहुल के कुछ गलत फैसले रहे, जिसकी वजह से टीम के हाथों शर्मनाक हार लगी। लेकिन इसके साथ सुनील शेट्टी ने कहा कि राहुल को उन सभी चीजों पर काम करने की जरूरत है आने वाले मैचों के लिए, वरना इस तरह का प्रदर्शन राहुल का बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से सुनील शेट्टी ने केएल राहुल की फटकार लगाते हुए टीम की हार पर अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है लखनऊ की टीम मुकाबले को किस वजह से हारी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही क्रिकेट की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।